सुंदरता और संभोग के बारे में सबसे काव्यात्मक और व्यावहारिक उदाहरण के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। संभोग दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। सुंदरता देखने वाले की नजर में है। यह वह सब है जो आप सोचते हैं कि सुंदर है। यौवन जैसी कोई सुंदरता नहीं है। अच्छे दिखने का कोई विकल्प नहीं है। सौंदर्यता त्वचा की गहराई में है। हम वही हैं जो हम पूरे दिन सोचते हैं। यदि आप सुंदर बनना चाहते हैं तो ऐसा कार्य करें। तुम सुंदर हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। न कभी था न कभी होगा और तुमसे बेहतर कभी नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने आप को कितना बदसूरत समझते हैं। कोई है जो सोचता है कि आप सुंदर हैं। सौंदर्य वह है जो आपको अपनी त्वचा में सहज महसूस कराता है। संभोग उतरने के बारे में नहीं है। यह खुद को किसी और को देने के बारे में है। सौंदर्य सिर्फ त्वचा की गहराई नहीं है। यह उससे कहीं अधिक गहरा है। सौंदर्य कोई आकार नहीं है। यह एक दृष्टिकोण है। सौंदर्य यह नहीं है कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं, बल्कि यह है कि आप अंदर से कैसे दिखते हैं। खराब संभोग जैसी कोई चीज नहीं होती है। केवल समय खराब होता है। संभोग दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें जीवंत महसूस कराती है। संभोग जीवन के महान रहस्यों में से एक है। यह एक ऐसा विषय है जिसने हमेशा हमें चकित और रहस्यमय किया है। कामुकता सिर्फ संभोग करने के बारे में नहीं है। यह पल में होने और खुद का आनंद लेने के बारे में है। यदि आप घर पर सुंदर नहीं हो सकते तो आप कहीं भी सुंदर नहीं हो सकते। बाहर से सुंदर होने के लिए आपको अंदर से सुंदर होना होगा। सौंदर्य सिर्फ त्वचा की गहराई नहीं है। यह एक अंदरूनी काम है। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। खूबसूरती के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात सुंदर होना नहीं है, बल्कि प्यार किया जाना है। आप अपनी सौंदर्य का ख्याल रखते हैं तो आप अपने पूरे जीवन का ख्याल रख सकते हैं। यदि आप सुंदर बनना चाहते हैं तो ऐसे कार्य करें जैसे कि कुछ भी सुंदर नहीं है। यदि आप सथीपन को देख सकते हैं तो आप उस सुंदरता को देख सकते हैं जो वास्तव में अंदर है। सौंदर्य देखने वाले की आंखों में है। एक व्यक्ति जिसे सुंदर मानता है वह दूसरा नहीं हो सकता है। सौंदर्य एक मुखौटा है जिसे हम दुनिया को स्वीकार करने के लिए लगाते हैं। दो चीजें हैं जो आपको हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिखने में मदद करेगी। अच्छा पोषण और नियमित व्यायाम। सौंदर्य एक निश्चित तरीके से दिखने के बारे में नहीं है। यह एक निश्चित तरीके से महसूस करने के बारे में है। एक स्त्री जो मेकअप पहनती है वह एक ऐसी स्त्री है जो उससे ज्यादा बनने की कोशिश कर रही है। यदि आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके पास कभी नहीं था तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी नहीं किया। जब सुंदरता और संभोग की बात आती है तो असली चीज से शर्माने की जरूरत नहीं है। चाहे आप किसी उत्पाद को बेचने की कोशिश कर रहे हों या बस आप जैसे हों, प्रामाणिक होना महत्वपूर्ण है। प्रामाणिक होने का अर्थ है अपने स्वयं के प्रति और अपने स्वयं के विश्वासों के प्रति सच्चा होना। इसका अर्थ है अपने मूल्यों और अपनी इच्छाओं के प्रति सच्चा होना। इसका अर्थ है अपने दिल और आत्मा के प्रति सच्चा होना। एक महिला एक चाय की थैली की तरह होती है। आप उसे चीनी के बिना मजबूत नहीं बना सकते। आप उसे बिना क्रीम के कमजोर नहीं बना सकते। आप उसे चीनी के बिना सुंदर नहीं बना सकते और आप उसे क्रीम के बिना स्मार्ट नहीं बना सकते। प्रामाणिक होना आसान नहीं है, लेकिन यह इसके लायक है। यह स्वयं होने और अपने जीवन को उस तरह से जीने के लायक है जैसा आप इसे जीना चाहते हैं। यह आपके आसपास के लोगों के साथ ईमानदार और सच्चा होने के लायक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सेक्सुअल होने के लायक है।
हमें आशा है कि आपको सौंदर्य और संभोग के बारे में लोकप्रिय उदाहरण के बारे में हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें अपने जीवन के बारे में नए तरीके से सोचने में मदद करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे जल्द ही मिलने की उम्मीद करते हैं।